बुधवार की सुबह ही सुबह गाजीपुर बॉर्डर से दिल को खुश कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। पिछले एक सालों से जिस गाजीपुर बॉर्डर पर बैठकर किसान आंदोलन कर रहे थे, आज उसी गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों ने घर वापसी को लेकर जमकर जश्न मनाया और यहां तक कि किसान नेता राकेश टिकैत ने तो विधिवत हवन पूजन भी किया। आपको बता दें कि मोदी सरकार ने जब से तीनों कृषि कानून को वापस लिया है, तभी से किसानों में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। टीकरी और सिंधु बॉर्डर लगभग खाली हो गए हैं और बुधवार को गाजीपुर बॉर्डर से भी आखिरी दस्ता रवाना होने लगा। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत भी आज अपने घर लौट रहे हैं। आपको बता दें कि टिकैत 383 दिन बाद अपने घर लौट रहे हैं। उन्होंने कहा था कि जब तक आंदोलन खत्म नहीं होगा, तब तक वो अपने घर में कदम नहीं रखेंगे। अब घर वापसी को लेकर किसानों के अंदर इतनी खुशी नजर आ रही है कि बॉर्डर खाली करने से पहले किसानों ने हवन पूजन किया और जमकर जश्न मनाया। एक एक तस्वीर किसानों की खुशियों को बयां कर रही है। आपको बता दें कि तीनों कृषि कानूनों की वापसी के बाद टीकरी बॉर्डर और सिंधु बॉर्डर लगभग खाली हो चुके हैं, लेकिन गाजीपुर बॉर्डर पर किसान वापसी की तारीख राकेश टिकैत ने 15 दिसंबर तय की थी और आज राकेश टिकैत समेत सभी किसान घर वापसी कर रहे हैं और इसके साथ ही एक साल बाद दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर से रास्ता खुलने जा रहा है। गाजीपुर बॉर्डर से टिकैत समेत किसानों का आखिरी जत्था आज अपने अपने घर के लिए रवाना हो रहा है और पूरे एक साल बाद इस तरह की तस्वीर देश के सामने आई है। यह आपको बता दें कि घर वापसी को लेकर जहां एक तरफ किसान खुश हैं, तो वहीं अपने साथियों से बिछड़ने पर भावुक भी हुए। लेकिन कुल मिलाकर कहें तो किसानों के चेहरे पर खुशियां देखकर ये देश बहुत खुश है। बहरहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा।